या अली मदद. अलवाइज राय अबू अली मिशनरी वाइज नंबर 421. नबी मोहम्मद को देखो और जिस तरह नबी मोहम्मद कहलाते हैं, नबी मोहम्मद करते हैं, नबी मोहम्मद कहते हैं, ऐसा चलो. नबी मोहम्मद जो है यानी नबी को देखता है, ऐसा कहा है रसूलुल्लाह का उसवा हुस्ना यानी उनके जो अमल थे, इस तरह हमें चलना चाहिए. सचो इलम की शमस बना, हमको भी शमस माँ बाप ने कहा कि मैं तुम्हें सच्ची बात कह रहा हूं. तो यह मतलब जो है मुश्किल है. मुश्किल इसलिए है कि हमारा जो ये मजहब है ये एक तलाव की तरह जिसमें पानी भरा है और वो पानी आहिस्ता आहिस्ता गंदा हो जाता है. हमारा मजहब ऐसा नहीं है. हमारा मजहब एक नदी की तरह है, इसमें चालू पानी आ रहा है, जा रहा है. यह नदी का पानी कभी भी खराब नहीं होगा. यहां आने जाने का मकसद क्या है कि हर जमाने के अंदर हमारे पास एक इमाम मौजूद है. हर जमाने मौला मुर्तजा अली को 1400 साल हुए, लेकिन मोमिनों इस्माइली दीन कोई मौला मुर्तजा अली से चालू नहीं हुआ. मौला मुर्तजा अली का जो नूर था वो उनके बाप में भी था, दादा में भी था, परदादा में भी था. जब से दुनिया के अंदर इंसान पैदा किया गया उसकी हिदायत के लिए खुदा ताला ने नबी भेजे, इमाम भेजे. हर जमाने के अंदर नबी का नूर था और इमाम का नूर था. मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप समझो
जब इस दुनिया के ऊपर इंसान पैदा हुआ उस वक्त उसे नादानी से, बेवकूफी से और अनजानपने से ही वास्ता था, इल्म नहीं था। तो खुदा ताला ने नबी भेजे। हर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर है और हर नबी के साथ एक इमाम होता है। जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको रखती है, 24 घंटे माँ के पास रहता है। बाप तो कभी आया, थोड़ा सा खेला, 5-10 मिनट छोड़ दिया, माँ उसको परवरिश करती है, उसको मैनर्स सिखाती है, रीत भात सिखाती है, बाप की शनाख्त देती है, बहन भाइयों की बातें सुनाती है, ये भाई है ये बहन है, उसको कपड़े पहनाती है, हाथ मुंह धोना सिखाती है, यहां तक कि वह इंसान जवान हो जाता है। जब वो इस लायक हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी, अपनी ख्यालों की जिंदगी, अपने काम की जिंदगी, अपनी एजुकेशन की जिंदगी वो गुजार सकता है, तो फिर वो मां से जुदा होकर बाप के नजदीक चले जाता है। अब उसको मां के साथ इतना वास्ता नहीं है और कभी वो ज्यादा देर मां के पास बैठता भी है तो मां कहती है, जा भी दुकान के ऊपर, या बाप क्या काम कर, बाप की मदद कर। बिल्कुल इसी तरह से जब खुदा ताला ने दुनिया बनाई और इंसान बने तो उसको मां की जरूरत थी। और मां कौन है? नबी मां है। अभी तालीका मुबारक हमने पढ़ा, मौलाना हाजिर इमाम कहते हैं, मैं मात पिता तरीके दोनों दुआ आशीष देता हूं। हाजिर इमाम बाप भी है, मां भी है। मां का नूर है वो पीरी नूर है, नबी का नूर है वो मां का नूर है, और नबी और पीर का नूर एक ही चीज है। हम क्यों उसको सदरदीन को कि शमस को हम पीर कहते हैं, नबी क्यों नहीं कहते? इसलिए कि नबूवत का सिलसिला बंद हो गया। नबूवत इसलिए होती है कि खुदा ताला उसको वही करे, और अभी वही की जरूरत नहीं है, इसलिए नबी के नूर को हमने पीर का नाम दिया और अल्लाह के नूर को हम इमाम कहते हैं। ये बाप है, पीर मां है। तो उस जमाने के अंदर जब भी आदमी दुनिया में नया नया था, उसको हिदायत करने के लिए, सिखाने के लिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इस जमाने के नबियों ने उनको बातें सुनाई, हिदायत की, झूठ मत बोलो, मैनर सिखाए कि सीधे हाथ से खाओ, हाथ मुंह धो के खाओ, कपड़े पहनने का शऊर सिखाया, रहनी करनी और सोसाइटी के अंदर रह के जो रीत भात थी वो सिखाई। जैसा जैसा जमाना बदलता गया नबियों के फरमान भी बदलते गए, और यहां तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो कुछ खुदा ताला ने इंसान को सिखाना था नबियों की मार्फत से सिखाया, नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। यानी कि एजुकेशन स्कूल में पूरी हो गई, सर्टिफिकेट मिल गया, मगर ये स्कूल की एजुकेशन से दुनिया में काम नहीं चलता। किधर भी जाओ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है। इसी तरह से रसूलुल्लाह की नबूवत खत्म हो गई मगर हिदायत बंद नहीं हुई, नूर बंद नहीं हुआ। और उसके बाद फिर हसन, फिर कासम, फिर जाफर, फिर जैनुलाबदीन, फिर मोहम्मद बाखर, फिर जाफर सादक, फिर अहमद आदी, इस तरह ये पीरों का सिलसिला चला, वंश परंपरा, जैसे कि इमामत का सिलसिला मौला मुर्तज़ा अली से चला, इमाम हुसैन, इमाम जैनुलाबदीन, इमाम मोहम्मद बाखर, मौलाना हजर इमाम तक। हमारा हजर इमाम 49th इमाम है, 49वां इमाम है, लेकिन 50वां पीर है। और शाफिर के दोनों गांव में हजर इमाम के पास। अगर आप बहुत पुरानी नहीं, यानी पुरानी से मेरा मतलब
पांच दस हजार वर्ष की हिस्ट्री नहीं, हजार वर्ष की हिस्ट्री पढ़ लो। मोहम्मद रसूलुल्लाह से 1400 वर्ष की, 1300 वर्ष की हिस्ट्री पढ़ लो तो आपको पता लगेगा कि हर जमाने के अंदर इमाम मौजूद था, इमाम का नूर मौजूद था लेकिन बैकग्राउंड में था। जैसा कि बाप छोटे बच्चे की लाइफ में बैकग्राउंड में होता है, माँ फ्रंट में होती है। माँ उसको खाना खिलाती, सब कुछ मैनर सिखाती है, लेकिन जब बच्चा जवान हो जाता है फिर माँ बैकग्राउंड में चली जाती है, बाप फ्रंट में आता है। ऐसा ही रसूलुल्लाह की वफात के बाद नबूवत खत्म हो गई, अब हमें बाप की जरूरत है, हिदायत की। मुर्तज़ा अली से इमामत का सिलसिला चला, इमाम का नूर पहले से था लेकिन दुनिया की सिविलाइजेशन कल्चर का हिसाब करके जमाने के तौर पे वो तमाम रिवोल्यूशन जिसको हम वही कहते हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, चार किताबें इस्लाम के अंदर मंजूर की गई। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उतरी, ज़बूर हजरत दाऊद के ऊपर उतरी, अंजीर हजरत ईसा के ऊपर उतरी और कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर उतरा। हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है, हम मानते हैं, बिलीव करते हैं कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक और भागीदार नहीं, अल्लाह का कोई बदन नहीं, अल्लाह की कोई शक्ल नहीं, रंग नहीं, मटेरियल हिसाब है अल्लाह किसी चीज जैसा नहीं। हम कोई चीज को कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई अल्लाह ऐसा है, क्योंकि उस जैसा कोई है ही नहीं। अल्लाह एक है, खालिक है, मालिक है, रोजी देने वाला है, रब है, और कुरान उसका कलाम है, हम इस चीज को मानते हैं, क्योंकि कुरान हमारे मौला के घर में उतरा। एक बिलियन से ज्यादा मुसलमान है। अब किसी भी बड़े आलिम को पूछो कि भाई कुरान नाजिल हुआ तो किसके घर में नाजिल हुआ, हजरत अबू बकर के घर में कुरान उतरा, कहेगा नहीं। हजरत उमर के घर में उतरा, कहेगा नहीं। कहां उतरा? मोहम्मद और अली के घर में। हम इस्माइलियों का जितना हक कुरान पर है, हजरत इमाम के थ्रू से, मुसलमानों का इतना हक 10% भी नहीं, क्योंकि कुरान हमारे मौला के घर में उतरा, अली नबी के घर में उतरा, हसन हुसैन छोड़ देते जब कुरान कंप्लीट हुआ। कुरान को समझने वाले वो हैं कि जिनके घर में खुदा ने कुरान भेजा। ऐसे लगभग 25 से 30 करोड़ अरब हैं जो जिनकी मदर टंग अरबिक है, उनकी मातृभाषा अरबिक है, लेकिन आज तक इनके अंदर भी कुरान शरीफ की समझ और कुरान शरीफ का जो तर्जुमा है उसमें ये लोग यूनाइट ना हो सके। गए 1400 साल के अंदर हजारों अरबों ने कुरान शरीफ के तर्जुमे किए और कुरान शरीफ की इन्होंने तफसीरें की, लेकिन एक दूसरे से मिलते नहीं। तो मोमिनों, मैं कहना यह चाहता हूं कि कुरान शरीफ अली नबी के घर में उतरा तो अली नबी जितना कुरान जानते हैं इतना कोई दूसरा जानता है? कोई नहीं। तो क्या अली नबी अस्तग़फ़िरुल्लाह तौबा करके कहता हूं यूं ही मर गए? शब्द बराबर नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा। क्या अली नबी अपनी औलाद को कुरान का इल्म दिए बगैर गुजर गए? नहीं देता। ये अल्लाह का दीन चालू है, कयामत तक चलेगा। अली नबी ने अपनी औलाद को ये इल्म दिया। अबू बकर, उमर, उस्मान वगैरह जो थे इनको ये इल्म नहीं मिला, भले उनकी जबान अरबिक थी। अली नबी के घर में कुरान उतरा और ये सिलसिला
अली नबी के घर में उतरा हुआ ये कुरान जितना इमाम जानता है कोई नहीं जानता, और खुद कुरान कहता है कि मुझको समझने वाले बहुत ही थोड़े हैं, और वो हैं कि जो इल्म के अंदर राशिख हैं। राशिख कहते हैं जो ढचू पचू ना हो, हिले नहीं, शक पैदा ना हो। हर जमाने का इमाम अपनी जमात को जमाना देख के कुरान की तालीम के ऊपर चलाता है। हमारा दीन इस्लाम है, हमारा नबी मोहम्मद मुस्तफा है, हमारे इमाम मुस्तज़ाली से हज़रत इमाम तक है, हमारा अल्लाह एक है कि जो सारे जहान का पैदा करने वाला है, यह हमारा ईमान है। लेकिन बहुत सी चीजें मुसलमान भूल गए, कुरान को भूल गए, हदीसों को भूल गए, पॉलिटिक्स में पड़ गए। और आप हिस्ट्री पढ़ो नबी करीम के जमाने से थोड़ा पहले की, यानी नबी से 100 बरस पहले की और उसके बाद नबी की आप हिस्ट्री पढ़ो तो आपको पता लगे, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ऐ मुसलमानों, मैं जाता हूं इस दुनिया को छोड़ के, दो चीजें मैं अपने पीछे छोड़ जाता हूं, एक तो खुदा का कुरान कलाम किताब है और दूसरी मेरी आल है। नबी कहते हैं ये दोनों चीजें साथ साथ चलेगी। सॉरी, कभी छुट्टी नहीं होगी। कयामत तक कुरान और मेरी आल कभी छूटे नहीं। तुम अगर एक को पकड़ोगे दूसरे के छोड़ दोगे तो नबी कसम खाते हैं कि खुदा की कसम वल्ला तुम लोग गुमराह हो जाओगे। गुमराह का मतलब है रास्ता चूक जाओगे, भूल जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखें बंद हुई, अभी तो जनाजा पड़ा है, पातिया भी नहीं दी गई, और रसूल के जो करीबी क्लोजेस्ट जो असहाब थे और ससुरे भी थे, हजरत अबू बकर नबी के सुसर थे, उनकी बेटी बीबी आयशा नबी की घरवाली थी, हजरत उमर की बेटी हफ्सा रसूल की घरवाली थी, दामाद गुजर गया। अरे कुछ तो शर्म करो, बेटी का घर वाला गुजर गया है और ये उठ के चले गए, जनाजा छोड़ दिया, कहां गए? एक छोटे से हॉल में गए कि जहां गाय भैंसों की ऑक्शन होती थी। जब वहां गए तो कुछ लोग उनके पीछे गए, आजू बाजू में बाहर बैठे थे, सबको अंदर बुलाया, 300 आदमी थे। उस वक्त मदीने के अंदर 2 लाख मुसलमान थे, 9 मस्जिदें थी, और इस छोटे से सकीफा बनी सादा उसका नाम था, वहां 300 आदमियों ने मिलकर हजरत अबू बकर को हजरत उमर के कहने से खलीफा बना दिया। दुआ करो मेरा गला ठीक रहे, खलीफा बना दिया। अब खलीफा बनने में 5-6 घंटे निकल गए, और यहां पीछे क्या हुआ? रसूलुल्लाह ने वफात पाई, ये लोग उठ के चले गए, मुर्तज़ा अली ने नबी को अपनी गोद में उठाया, हसन हुसैन पानी लेके आए, और हजरत मुर्तज़ा अली ने नबी को गुस्ल दिया। एक आदमी कब्र खोदने वाले को बुलाया, इस रूम के अंदर जहां नबी का वो पलंग के चारपाई पड़ी थी, इसके 4 पांव का निशान करके कब्र खोदी गई रूम के अंदर, और इस कब्र के अंदर मुर्तज़ा अली ने इनको वही कपड़े पहनाए, कफन नहीं, वही कपड़े के जिन कपड़ों में नबी साहब गुजर गए, वो पहले गुजर दिया,
फिर वही कपड़े पहना के मुर्तजा ने खुद नीचे उतरे, रसूल पाक को सुलाया, मिट्टी डाल के कब्र बंद कर दी, फातिहा पढ़ी, दरवाजा बंद किया, ताला लगाया, शीशे में चाबी डाल के मौला अपने घर में चले गए। अभी 5-6 घंटे के बाद इधर तू में होती हुई खलीफा बना दिए हजरत अबू बकर को, अब ये आए चलो जनाजा निकालेंगे। जब यहां आए इधर उधर देखा कुछ लोग बाहर खड़े थे, दरवाजे पे ताला लगा। उन्होंने कहा भाई नबी तो दफन हो गए, अंदर कोई गया नहीं, रसूलुल्लाह का जनाजा नहीं निकाला गया, लोगों ने कंधा नहीं दिया, कलमा शहादत नहीं पढ़ा, आपको ये चीजें ऑर्डिनरी हिस्ट्री में नहीं मिलेंगी, क्योंकि मुसलमान छुपाते हैं। उस वक्त हजरत अबू बकर जमीन पर बैठ गए गम के मारे और रोने लगे। ये क्या हुआ? 1400 बरस की हिस्ट्री आज तक चली आती है, कयामत तक ये दाग रह गया कि दामाद मर गया मगर ससुरे उसके जनाजे में नहीं गए, ये दाग रह गया और ये दाग कभी मिटने वाला नहीं। हजरत अबू बकर तो बैठ गए रोने लगे, हजरत उमर गुस्से हो गए, कहने लगे बहुत बड़ा लकड़ी का शैतीर लाओ, शैतीर यानी टिम्बर, ताकि इस दरवाजे को तोड़ा जाए। जब ये बात निकली तो कोई एक आदमी दौड़ा मुर्तजा अली के पास, यानी यानी क्या है या मौला, वो लोग दरवाजा तोड़ के कब्र खोद के रसूल की बॉडी बाहर निकाल के उसका जनाजा निकालना चाहते हैं। मौला मुर्तजा अली इतने गुस्से हुए कि मुंह में से झाग निकलती थी, ऊपर का बदन ऐसा सोए हुए थे ना, सिर्फ लुंगी बांधी हुई थी, कुर्ता लेके पहनने की फुर्सत न मिली। मौला इसी तरह से दौड़े, जब घर के बाहर निकले थोड़ी दूर गए तो याद आया जुल्फिकार घर पे रह गई, लेकिन अब वक्त नहीं था वहां तक जाने के लिए। रास्ते में एक बहुत बड़ा ऐसा ही टिम्बर पड़ा था, मौला ने उठा लिया। दौड़ते दौड़ते जब गए और मौला को दौड़ते दौड़ते देखा सब लोग हट गए, मौला ने एक लात मारी, दरवाजा तोड़ दिया और रसूलुल्लाह की कब्र के ऊपर जिस तरह हम घोड़े पे बैठते हैं एक पांव इधर एक पांव इधर, ऐसा नबी की कब्र पे जाके मुर्तजा अली बैठ गए। हाथ में ये लकड़ की तलवार, तलवार तो नहीं थी, एक टिम्बर था, लकड़ी बड़ी थी। कौन है नबी की कब्र को खोदने वाला? बीबी आयशा भागती है, अब्बा को कहते हैं अब्बा चले जाओ चले जाओ, क्या है? रसूलुल्लाह कहते थे एक दिन आएगा अली मिट्टी के घोड़े पे होगा, उसके हाथ में लकड़ी की तलवार होगी, उसकी आंखों में से आग के शोले निकलेंगे गुस्से के मारे, मुंह में से झाग निकलेगी। है आयशा, नबी कहते हैं उस वक्त सारी दुनिया मिल के भी अली का सामना करेगी, अली सबको बर्बाद कर देगा, अब आप चले जाओ। मुंह नीचा करके ये सब लोग चले गए। रसूलुल्लाह आज भी उधर ही दफन है जिधर मुर्तजा अली ने उनको दफन किया था मदीने में, बाद में उसके ऊपर बड़ा मकबरा बन गया। मैंने आपको ये बात हिस्ट्री की इसलिए सुनाई, नंबर वन हमारे इमाम हमेशा कहते आए हैं कि तुम अपने मजहब की हिस्ट्री से वाकिफ बनो, अपनी हिस्ट्री पढ़ो तुम्हें पता लगे। नंबर टू, हमको हिस्ट्री पढ़ने से यह पता लगता है सच्चाई किधर है। अब क्या हुआ, नबी तो इसी तरह दफन रह गए, जनाजा ना निकला, लेकिन मौलाना रूम ने एक मोहर लगा दी अपनी किताब में, मौलाना रूम ने एक मोहर लगा दी, चू सुहाबा हुब दुनिया दाश्तन, चू सुहाबा हुब दुनिया दाश्तन, मुस्तफा बेकफन बगुजाश्तन। रूमी कहते हैं कि जो सुहाबी थे नबी के असहाब थे उनको दुनिया की मोहब्बत थी
इसलिए उन्होंने नबी को कफन दिए बगैर दफन करवा दिया, छोड़ दिया नबी। मुसलमानों के दिल जुदा हो गए। कुछ वो लोग थे कि जो खलीफा के पीछे गए, कुछ वो लोग थे कि जो अली मुर्तजा के पीछे लगे। मेजोरिटी वहां थी, यहां खिलाफत थी, मुर्तजा के साथ ही थोड़े थे बनी हाशिम वगैरह। तो कुरान का जो इल्म था वो नबी के घर में रहा, नबी की फैमिली में रहा। अब इन्होंने कुरान जमा करना शुरू किया। जब ये कुरान नाजिल होता था तो जमाने में किताबें नहीं थी, कापियां नहीं थी। तो जैसे जैसे कुरान नाजिल होता रहा और रसूल अकरम सुनाते रहे, तो कोई कपड़े पे लिख ले, कोई लकड़ी पे लिख ले, कोई पत्थर पे लिख ले, ऊंट की और गाय के पांव का जो ऐसा फ्लैट पीस होता है हड्डी का, हिप के साथ, इसके ऊपर लिख लेते थे। मटके टूट जावे तो उसके टुकड़ों के ऊपर कुरान लिख लेते थे। मुर्तजाली ने कुरान इकट्ठा किया और रसूलुल्लाह की हयाती में किया। लेकिन इन लोगों ने फिर आके ये एक एक दो दो पांच दस 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 आयतों जो जरूरत थी उसको इकट्ठा किया और इन्होंने कॉपी करनी शुरू की। लेकिन जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी आयत नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 20, नंबर 30, जैसा कि 23 बरस 23 ईयर्स लगे कि ये कुरान उतर रहा था और उसी के साथ साथ अली लिखते रहे, और लोगों ने ये चमड़े पे, कपड़े पे, ठिकरियों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर लिखा, तो हजरत अबू बकर के जमाने में कुरान को इकट्ठा करने की स्कीम बनाई गई। इन्होंने 6 आदमियों को उसके अंदर अपॉइंट किया, अली का नाम नहीं लिया। अली से दुश्मनी थी, राइट बिगिनिंग से अली से दुश्मनी थी। इसलिए कि अली ने किसी का मामा, किसी का नाना, किसी का दादा, किसी का चाचा, किसी का भाव, किसी का बेटा, किसी का बाप अली ने मारा। बड़े बड़े योद्धे, बड़े बड़े पहलवान थे कि जो काफिरों की साइड में थे। इस्लाम में 17 छोटी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, 17 लड़ाइयां हुई। इनमें सबसे बड़ी जबरदस्त लड़ाइयां हुई, एक बदर की हुई, एक उहद की हुई, एक खंदक की हुई, एक जमल की हुई। जमल की लड़ाई रसूलुल्लाह की वफात के बाद हुई। इन लड़ाइयों के अंदर बड़े बड़े योद्धे बहादुर लड़ने आते थे। अरे ख्याल करो, 1050 आदमी तलवारें भेले सब कुछ लेके आए और इधर मोहम्मद की साइड में 313 आदमी थे। इसमें 20-20 बरस के बच्चे भी थे, जवान थे, लेकिन 30-35 बरस के, 40 बरस पहलवान के सामने कौन लड़े। इधर एक ही तलवार थी मुर्तजाली की, बाकी किसी के पास तलवार भी नहीं थी। ऊंट के पांव की फ्रंट की जो हड्डी थी, ये हड्डियां लेके लड़ने निकले, लकड़ी के गुजो लेके लड़ने निकले। ये 313 हैं कि जिनके पास हथियार भी नहीं, नहाते हैं, और उधर काफरों के साथ 1050 सारी अरबस्तान के योद्धे थे। अली की तलवार ने 70 आदमी मार डाले और 100 से ज्यादा जख्मी किए, बाकी भाग गया। अगर अली की तलवार ना होती तो इस्लाम दुनिया में होता ही ना। ये हिस्ट्री सुनाने का मेरा मकसद एक ही है कि मैं आपको बताऊं कि हमारा ये जो तरीका है, इस्माइली तरीका, ये इस्माइली तरीका इस सदरदीन ने चालू नहीं किया। मौलाना हसन अली शाह 150 बरस पहले आए, उन्होंने चालू नहीं किया। ये तरीका तो रसूलुल्लाह के जमाने से है, रसूलुल्लाह के जमाने से पहले भी था, ईसा के जमाने में भी था, मूसा के जमाने में भी था, इब्राहिम के जमाने में भी था। ये तरीका इस्माइली तरीका, उस वक्त नाम इस्माइली नहीं था, लेकिन हमारा ये सिलसिला, ये तरीका, हर जमाने के अंदर कुछ मुसलमान अली नबी से प्यार करते थे और अली नबी से पहले जो इमाम और नबी थे उनसे प्यार करते थे। इन तमाम नबियों और मोहम्मद का नूर या अली के नूर का हर जमाने में जो शख्सियतें थी, पर्सनैलिटीज थी, उनको प्यार करने वालों का नाम आज इस्माइली है।
हम अपने इमामों को प्यार करते हैं। रसूलुल्लाह के पास जब मदीने में शांति हो गई तो लोग कुछ थोड़े लोग जिनका कामकाज दुनिया में कोई नहीं था, यानी बच्चे बड़े हो गए, खुद बुजुर्ग हो गए, कमाने की फिक्र नहीं रही, तो फिर वो नबी के पास जाके कहे, या नबी आपने हमें कहा 5 वक्त की नमाज करो, हम पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, या नबी इससे ज्यादा कुछ है? कहा नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं, कुरान पढ़ते हैं, या नबी इससे ज्यादा कुछ है? फरमाया हाँ। तो वो छुप छुपा के एक एक दो दो को इंडिविजुअली देते थे। आम मुसलमानों की तो ताकत भी नहीं थी इसको समझने की। उस वक्त मुसलमान क्या थे? मजदूर थे, खेतों में काम करते थे, जानवर रखते थे, और वो बेइल्म थे, उनको एजुकेशन कुछ नहीं थी, लिटरेसी भी नहीं थी। अल्लाह कहता है कुरान में, ऐ मोहम्मद इन अरबों को कहो कि तुमने इस्लाम कबूल किया है सच, लेकिन अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में उतरा नहीं, कुरान की आयतों में तुम्हें क्यों नहीं उतरा? क्योंकि सिर्फ नमाज और रोजा वगैरह ये चीजें कि जो अल्फाबेट के तौर पे हैं, बच्चे को सिखाई जाती हैं ए बी सी डी ई वगैरह, और 1+1 2 और 2+3 5 ये सिखाए जाते हैं, तो क्या बस यही एजुकेशन है इतनी? अरे इसके बाद तो एजुकेशन बहुत है, यूनिवर्सिटी तक पढ़ना पड़ता है। तो क्या यही चीज थी कि जिसके लिए इतनी मेहनतें हुई कि तुम नमाज पढ़ो, रोजा रखो, बाकी खा पी जाओ? सीरियस चीजें थी, सीरियस चीजें क्या थी? आधी रात को उठो, दुनिया से अपने मन को तोड़ के जिसने तुम्हें पैदा किया है उसके लिए सोचो, जिसने तुम्हें पैदा किया है उसकी बाबत में सोचो, मुझे किसने पैदा किया, वो कौन है, कैसा है, सोचो। ये थी भेद की बात, ये वो चीज थी कि जो हम लोग करते आए हैं, जिसको हम बैतुल ख्याल कहते हैं। मैं आपको यही कह रहा हूं, आधे आदमी बैठे हैं जिसके पास बैतुल ख्याल का रोल है। ए मोमिनो, खा पी के सो जाते हो, कार रोजगार करते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, मोटरों में घूमते हो, कभी याद किया कि मैं एक दिन मर जाऊंगा? आपको अपनी मौत याद है? और मौत लाजिम नहीं कि आदमी को 100-80 बरस की उम्र में आवे, मौत तो कभी भी आ जाए, छोटे बच्चे भी मर जाते हैं, जवान भी मर जाते हैं, अरे मां के पेट से मरे हुए बच्चे भी पैदा होते हैं, मौत याद आई कभी? टीवी देखी, सिनेमा देखा, घूमे फिरे, गप्पे मारी, गीबत की, गालियां दी, जरूरत पड़ी तो झगड़ा भी किया, मार धाड़ भी की, खून भी निकले, बस क्या ये हमारी जिंदगी है? एक दिन मरना है, तो कभी सोचो तो सही कि भाई मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, कहां जाएंगे? ए मोमिनो, दीन जो है वो इंसान को सोच देता है, अक्ल देता है, और इसमें स्पेशली हमारा मजहब कि जो रूहानी मजहब है, नूरानी मजहब है, हमको अंदर की आंखें खोलने की तालीम देता है। हमारी ये जाहिर की 2 आंखें हैं, लेकिन बिल्कुल इधर इन 2 आंखों के पीछे जहां ब्रेन में अक्ल इंटेलिजेंस है, ये फ्रंट में 8.5 आंश का हमारा ये ब्रेन, 8.5 आंश का जिसको हम अपर ब्रेन कहते हैं, 1.5 पाउंड का ये पीछे का ब्रेन है, टोटल लगभग 2 पाउंड जितना हमारा ब्रेन है। पीछे का जो ब्रेन है वो नर्वस सिस्टम है, हमारे हाथ पांव चलते हैं, हमारी डाइजेशन होती है, हमारी नजर, हमारे कान वगैरह, ये सब पीछे कारखाना है। लेकिन ये जो आगे तक 8 इंच जितना ब्रेन है, इसमें अक्ल है,
इसमें रूह है और इस ब्रेन के अंदर जमीन आसमान को जानने की इल्म की ताकत है। इसी ब्रेन के वो भाग में जो अगला भाग है हमारी परेशानी से, इन दो आंखों के अंदर जहां ब्रेन में अक्ल रहती है, इंटेलिजेंस स्टे करती है, वहां एक आंख है कि जो आंख बंद है, इसको थर्ड आई कहने वाले भी कहते हैं, इसको इंटरनल आई भी कहते हैं, इसको स्पिरिचुअल आई भी कहते हैं, कुछ भी नाम दे दो, लेकिन हमारे अंदर एक और आंख है। जब वो आंख खुलती है तो बाहर कुछ नहीं दिखता और अंदर हिसाब बगैर की दुनियाएं दिखती हैं। हमारे सामने ये तमाम यूनिवर्स सामने आ जाता है। बाहर की आंखें बंद होती हैं, अंदर की खुल जाती है। अब इस वक्त हमारी अंदर की आंख बंद है, बाहर की आंखें खुली है। ऐशो आराम किया, खाया पिया। इसकी एग्जाम्पल एक है। हमको कभी कभी रात को सपने आते हैं। जब ये रात को सपना आता है, बाहर की आंखें बंद होती है ना, तो अंदर की आंखों से यानी सपने में हम चीजें देखते हैं। और अगर हम सपने में हलवा खा रहे हैं तो अलग अलग हमको हलवे की खुशबू भी आएगी, स्वाद भी आएगा। मगर जब आंख खुल गई, हलवा किधर गया? तो वो जो बातुल में और जाहिर में जो फर्क है, हमने कभी बैठ के सोचा कि भला सपने में मैंने हलवा खाया तो वो क्यों दिखता नहीं है? ये इल्यूजन है, मगर इस इल्यूजन के पीछे एक लेसन है। और लेसन ये है कि जिस तरह ये इल्यूजन है कि मैंने अपने ख्वाब में सपने के अंदर हलवा खाया, वल्ला बिल्ला अगर आपकी अंदर की आंख खुल जाए तो आपको वो चीजें नजर आए, वो चीजें मिले, वो चीजें खाओ कि जो इस दुनिया में नहीं है। मगर उन तमाम चीजों की परमानेंसी, परमानेंसी का मतलब हमेशा रहने वाली परमानेंट चीज बनी है, वो सच्ची चीज है। और जो आंखों से दिखता है वो खोटी चीज है। हमारा दिन ये इस्माइली तरीका हमें रूहानियत सिखाता है। ए मोमिनों, मैं आपको आज कह रहा हूं, अपनी जिंदगी में इसको आजमा के देखो। एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, जो ही वो बाहर आया तो रोता है, लेकिन हमको प्यारा लगता है, हम उसको चूमते हैं। इतना दुख उठा के मां ने उसको जन्म दिया, मगर जो ही बच्चे के रोने की आवाज आई तो मां उसको कलेजे से लगाती है, डिलीवरी के सब दुख भूल जाती है। बाप उठाता है, खुश होता है, वो रो रहा है, हम खुश होते हैं, क्योंकि एक नया इंसान हमारी फैमिली में आया। अब ये बच्चा सोया है, दूध पी के सो गया, आंखें ऐसी सख्त जोर से बंद की हुई है। मुकम्मल इंसान है, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है, लेकिन आवाज वो तो सुनता नहीं, कान है। कभी कभी 15-20 दिन के बाद या इससे पहले उठ पे आंखें खोलता है, लेकिन उसको कुछ दिखता नहीं, क्योंकि रजिस्टर। इस नए मिलेनियम में, जिसको एक साल बाकी है, बल्कि इसी साल दुनिया के अंदर बहुत सी खराबियां भी पैदा होंगी, बहुत सी टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट भी होगी। मौलाना आजाद इमाम ने गए जून महीने के अंदर लीडर्स की एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मौला पूछते हैं, वेल माय लीडर, आर योर यंगस्टर्स रेडी? क्या तुम्हारे जवान तैयार हैं?
तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे, खुदावंद काहे के लिए। बाबा फरमाया मेरा मिलेनियम आता है तो तुम्हारे जो यंगस्टर्स हैं वो तैयार हैं मौला की स्वागत में। तो फरमाया के इस नए दौर के अंदर जो बनाव बनने वाले हैं उनका सामना करने बर्दाश्त करने के लिए तुम्हारे यंगस्टर तैयार हैं। यंगस्टर हाँ तैयार है, एक पासपोर्ट पे 5 जने जाएं, अमेरिका पहुंचे, डॉलर कमाएं, इसके लिए तैयार है ना मेरे बच्चों? ऐसा ना करो, एजुकेशन को कुर्बान करके डॉलर के पीछे जाना। और उसमें बहुत से माता पिता का भी मांग है, वो उसे जन्म देते हैं कि बच्चा उधर जावे और उधर से हमको डॉलर भेजे और हम यहां बैठे बैठे खाएं। माँ बुद्धा का भी कसूर है, मगर इस जिंदगी में रूहानियत नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, दिल के अंदर वो जो प्रेम भावना है, प्यार है, मोहब्बत है, माँ बाप की मोहब्बत है, माँ बाप की रिस्पेक्ट है, घर के अंदर भाई भाई की मोहब्बत, बहन भाई की मोहब्बत है, वाइफ हस्बैंड की मोहब्बत है, माता पिता की बच्चों की मोहब्बत है, हम अपने जमात के अंदर आते हैं तो हमें एक दूसरे की मोहब्बत है, मोहब्बत, लव, अफेक्शन। आज वो किधर गई? स्वार्थ वृत्ति पैदा हो गई, होपनी पैदा हो गई, लालच पैदा हो गया। इससे हमारे इस्माइली दीन का, इस्माइली मजहब का, इस्माइली तरीके का जो एम है वो तो मिट गया। क्या एम है हमारा? कि मौत के बाद हम खुदा के नूर में जाए, ये हमारा एम है। ये जिंदगी कुर्बान करके वो आखिरत की जिंदगी जो है कि जिसका कोई एंड नहीं, उसकी खुशियों का कोई हिसाब नहीं है। बाकी तो दिन सारा क्या है यहाँ, फिर भी हमको हमारे इमाम ने कि आप अगर मुसाफरी करो ट्रेन में बैठो, थर्ड क्लास में बैठो कि फर्स्ट क्लास में बैठो, स्टेशन पे एक ही टाइम पे पहुंचोगे, लेकिन एक बात बनेगी कि फर्स्ट क्लास वाला आराम से जाएगा, थर्ड क्लास वाला थोड़ा दुखी होकर जाएगा। तो ये जो इस्माइली तरीका है ये फर्स्ट क्लास, और इस्माइली तरीका हमें दुनिया के अंदर भी अच्छा जीवन गुजारने के लिए हुक्म करता है। अच्छे मकान है, आज खाओ पियो, आराम करो, अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन ये पैसा किस रास्ते से आता है इसका ख्याल रखो। मैं फिर रिपीट करके कहता हूं, आधी रोटी खाओ मगर सुख की खाओ। ऐसा रिजल्ट नहीं चाहिए कि जिससे हमारी आत्मिक शक्ति को, हमारी स्पिरिचुअलिटी को नुकसान हो। हमें ऐसा रिजल्ट नहीं चाहिए कि हमारे दिलों दिमागों के अंदर शैतान पड़ जाए। हमें पवित्र जीवन गुजारना है, पाक और सुख का जीवन गुजारना है। और अगर हम हजरत इमाम के फरमानों पर अमल करते रहे तो जिंदगी में इंशाल्लाह हम दुनिया में भी सुखी बनेंगे, और बने हैं, बने हैं। जो आपकी उम्र इधर 60 बरस के जो बुजुर्ग हैं उनको पूछो कि वो 50 वर्ष पहले कैसे थे और आज कैसे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। मजहब मोहब्बत सिखाता है, प्रेम सिखाता है, हमको अफेक्शनेट बनाता है, रहीम बनाता है, दया भावना सिखाता है, एक दूसरे के साथ मदद करना सिखाता है। और अगर हमारे पास कुछ भी रकम है, पैसे हैं, और मेरा कोई इस्माइली भाई या मेरा कोई सगा कुटुंबी दुख में है तो मैं उसकी थोड़ी सी भी मदद न करूं, जरूर करूं। और उसकी मदद करना मौला को बहुत राशि करता है। एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का काम करो, और जो कुछ भी हमने कमाया है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारी फैमिली के लिए भी है, हमारे सगे कुटुंबियों के लिए भी है, और हमारी कंट्री के लिए भी, जिस जगह हम रहते हैं उस जगह भी बराबर। नेक बनो, अच्छे बनो, क्लीन बनो, ऑनेस्ट बनो, सिंसियर बनो, सीरियस बनो, और दिन और दुनिया के ऊंचाई पे पहुंचो। राइज हायर,
मेंटली भी स्पिरिचुअल ऊंचे रहते हैं। हम बाजार जाते हैं, कुत्ता हमें भौंकता है तो हम तो कुत्ते को नहीं भौंकते। इसी तरह से अगर किसी ने हमारा कुछ बुरा कर दिया तो उसका रिटेलिएशन करना, तो ये तो ऐसा है कि कुत्ते ने भौंका और हम भी भौंके। हमें ऊंचा बनना है, हायर थिंकिंग वाला बनना है और बदियों बुराइयों से अपने आप को पाक करना है। रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफा की जो लाइफ है उस लाइफ को देखो और रसूलुल्लाह की लाइफ पढ़ो। नबी करीम ने किस तरीके से अपनी जिंदगी को, इस्लाम की जिंदगी को पेश किया। छोटी सी बात करता हूं, रसूलुल्लाह ने नवा नवा इस्लाम इंट्रोड्यूस किया। मक्का जो था वो नबी करीम का जन्मभूमि है, मगर वहां यहूदी बहुत थे और इतनी ओपोजिशन हुई नबी को, अपने रिश्तेदारों से भी हुई, यहूदियों से भी हुई, क्रिश्चियनों से भी हुई। तो नबी को लोग हेट करते थे जो दुश्मन थे, और दुश्मन हेट करे उसमें कोई नई चीज नहीं थी। रसूल अकरम एक रास्ते से गुजरते थे और दूसरे रास्ते से घर वापस आते थे, तो हुजूर एक दिन ऐसा निकले तो बाई चांस एक यहूदी बाई, बड़ी उम्र की थी और वो भी नबी को हेट करती थी, अपने घर में झाड़ू निकाल के तो वो जो कचरा था ऐसा फेंकने के लिए अपनी बालकनी में आई। जब वो बालकनी में कचरा लेके आई तो उसकी नजर पहुंची कि रसूलुल्लाह आ रहे हैं। वो ठहर गए। जब ही रसूल अकरम उसकी खिड़की के नीचे आए, उसने यह कचरा नबी के ऊपर फेंक दिया, लेकिन रसूलुल्लाह ठहरे नहीं, ऊपर भी नहीं देखा, ऐसा ही चलते रहे, कचरा झाड़ दिया चले गए। दूसरे दिन ये औरत बार बार खिड़की में से देखे, कचरा इकट्ठा करके रखा है। नबी आए, ये इंतजार करती 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 जब रसूल ने किया इसने कचरा फेंक दिया। ऐसा लगभग एक महीने तक चला और उसकी मकान के नीचे यहूदी की एक दुकान थी और सामने दुकान थी, ये सब लोग हंसे, नबी के ऊपर कचरा पड़े और ये लोग हंसे। एक दिन नबी करीम पास हुए मगर ऊपर कचरा नहीं गिरा, नबी ठहर गए। जब ये ठहर गए तो ये दुकान वाला, उस दिन ये लोग हंसे नहीं, ये दुकान वाला कहता है मोहम्मद वो आज बीमार है। रसूल उसको कहते हैं मैं उसको जाके देखना चाहता हूं, उसके लिए दुआ कर। इस आदमी को ये सुनना था, ये चुप हो गया, खामोश हो गया। अरे कैसा आदमी है, मैंने उसके दिल में इज्जत पैदा हुई, ऊपर गया भागा भागा। कहते हैं भाई और मोहम्मद नीचे खड़ा है, तेरी बीमारी के अंदर तुझे मिलके तेरे लिए दुआ करना चाहता है। जल्दी से उठी, जो कुछ भी पछे दी दुपट्टा लेना था लिया, रसूल अकरम को ऊपर बुलाया, नबी के पांव में गिर पड़े, रोने लगी, कहती है अरे मोहम्मद मैंने तेरे लिए इतनी तुझे तकलीफ दी, बेइज्जती की और तू मुझे बीमारी में देखने आया, मेरे गुनाह बख्श दे, मैं मुसलमान होती। रसूल अकरम ने ये दुख उठा के उसको ईमान दिया। भला हमारे मान लो कि हम में से कोई नहीं कैसा ऊपर से कोई कचरा नहीं फेंक दे तो हम क्या करें, मालूम है पहले तो झंडा ढूंढे, उसके दरवाजे तोड़े, ऊपर जाके मारामारी करे, कभी ये नहीं बन सकता तो पुलिस भी जाए, हमारे अंदर की टॉलरेंस है। शिक्षा इस्लाम सहनशीलता, सब्र, टॉलरेंस, पेशेंस, प्रेम, मोहब्बत और एक दूसरे के लिए अफेक्शन, एक दूसरे की मदद करना, यह हमारा दीन है कि रसूल अकरम की लाइफ के अंदर से हमें ये चीजें मिलती हैं।
इस्माइली मतलब क्यों है, ये इस्माइली तरीका जो है दीनदारों, ये आला दर्जे का तरीका ना वापसी की वजह से हमारे अंदर बहुत से दुश्मन भी हैं, जाहिर में इस्माइली है लेकिन वो हमारे दुश्मन है और वो इस्माइली भी है। ये नई चीज नहीं, हर जमाने के अंदर ऐसा हुआ है। रसूल अकरम के जमाने के अंदर भी मस्जिद में आते थे नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन अंदर अंदर कितना करते थे। कई लोग ना समझी होती है, ये इस्माइली तरीका जैसे मैंने आपको बताया ये मुश्किल रखता है, क्योंकि इसमें हमें कुर्बानी करनी पड़ती है, टाइम का भोग देना पड़ता है, रात की नींद गुमानी पड़ती है। जैसे सुबह मैंने आपको कहा कि 4 बजे उठ के इबादत करो, तो नींद छोड़ के इबादत करोगे ना, आपको ये दुख उठाना पड़ेगा। इसी तरह से हम छोटा बच्चा आता है माँ या बाप के साथ, तो बाप उसको पैसे देता है या माँ देती है, पाठ के लाके उसको दुआ सिखाती है, वो बच्चा अगर माँ के लिए छोड़ दे, पैसे हाथ से छोड़ दे, तो कुछ मुद्दत के बाद ये बच्चा सीख जाता है। एंटर होते ही माँ को कहते हैं पैसे ला मैं दुआ करा। क्या हमारा मतलब पैसे दे? बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये ख्याल करते हैं कि हमारा जो मजहब है वो पैसे के ऊपर है। हम इधर देखते हैं लेकिन मुखी कमरिया ने किसी को कहा लाओ पैसे लाओ, काउंसलर ने किसी को कहा कि तुम पैसे दो नहीं तो बाहर निकल जाओ, हम अपनी मर्जी से देते हैं, नहीं देना ना दो। लेकिन ये हमारा तरीका है, हमने जो कमाई की हमने अपने ईमान के हाथ में बैत की कि तन मन धन से मैं अर्पण करता हूं मेरे मौला, तो हम जो कमाई करते हैं उसके अंदर कुछ नजराना रख के हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। ये नजराना है, कोई लाजिम नहीं, नियाज पीना है मुफ्त पियो, ऐसे खीसे में बहुत है लेकिन नहीं देना चाहते तो अभी मुखी के पास आके खाली हाथ पैसा देने की कोई जरूरत नहीं, खाली हाथ जोड़ के कहो तो मैं तुम्हें मालूम बनेगा जब बख्श शाति बख्शे, मुखी कमरिया साहब कहेंगे शाति बख्शे, बोला ईमान की सलामती है, दुआ मिलती है पैसे वाले को भी मालदार को भी। भला मैं आपको बोलूं इधर 51 रुपए मेहमानी के हैं मुखी कमरिया साहब 51, हमारे यहाँ 7.5 डॉलर है, 51 रुपए मेहमान से तो क्या मिलता है खाना वाना। अगर किसी आदमी के दिल में खूब आए और वो 5,000 रुपया दे रहे तो मुखी क्या बोलेंगे खाना वाना। नैरोबी में 4-5 साल पहले की बात हुई, नौरोज का नौरोज की रात थी, अमर उसको थोड़ा शुरू हो रहा सुफरे खटाने वाले में आवाज लगा, अगर सुखरा को अगर नाराजा ईमान को खिलाए शाफिर की मेहमानी 500 शिले, आवाज आई 5,000 शिले, भाइयों में से आवाज आई 20,000 शिले, मर्दों में से आवाज आई 50,000 शिले, भाइयों में से आवाज आई 1,00,000 शिले, इधर से आवाज आई 2,00,000 शिले, 22,00,000 शिले में 22 लाख यानी 2.2 मिलियन शिले में एक भाई ने सुखरा खाता 22 लाख शिले। क्या मिला खाना बना और वो खुश होते हैं। जरा इस चीज को समझने की ट्राई करो कि हमारे मजहब में क्या है। 51 शिलिंग मत दो, 5 शिलिंग दो, 50 सेंट दो, मुख्य कमरे के लिए खाना बना, और 22 लाख शिलिंग दिया खाना बना। कभी 22 करोड़ हो तो यही कहेगा खाना वाला। बाद में पता लगा कि ये जिसने 22 लाख में सुखरा खटा उसकी माँ 21 लाख तक बढ़ती रही, लेकिन माँ को पता नहीं बेटा बढ़ता है, बेटे को पता नहीं माँ बढ़ती है। ये हमारे मजहब की खूबी है। पैसा पैसा क्या, हम तो जान देते हैं, हम तो जान देते हैं अपने मौला के ऊपर, पैसा क्या है।
और कभी किसी को नहीं कहा गया कि इतने पैसे दो, देने वाले देते हैं, जलने वाले जलते हैं, पैसा तुम्हारा है, जलता कोई दूसरा है, ऐसा ही है ना। यह मतलब मोहब्बत का मतलब है। मैंने थोड़ी बात लंबी की लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं, रह नहीं सकता। मैं एक गांव है उधर कनाडा में, मॉन्ट्रियल मैकगिल यूनिवर्सिटी है, इस वजह से अफगानी भाई भी बहुत है, 2500 की जमात है। मैं एक दफा उधर गया, थोड़े बरस की बात है, तो मुझे लाइब्रेरी का शौक, तो मैकगिल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, मैं लाइब्रेरी देखने गया मेरे साथ एक इस्माइली अलवाई है। लाइब्रेरी को देख रेख रखने वाली एक लेबानीज बाई थी, उसके साथ मेरी इंट्रोडक्शन कराई, बहुत अच्छी तरह से मिली, बहुत अच्छी तरह। तो इसने उसको कहा कि हाजरी, वो हाजरी इमाम से तीन हो रहा था, हाजरी इमाम से हमारे मिशनरी साहब को बात सुना, तो हम बैठे तो मुझे बोलने लगी कि बहुत दफा देखा है कि जब डिजाइनर्स आते हैं हाजरी इमाम, तो जो इस्माइली लोग होते हैं ना, उनकी आंखों में से पानी निकलता रहता है। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि भला क्या बात है, बैठे हैं और रो रहे हैं। कहने लगी एक दफा ऐसा हुआ कि मैंने अगर इमाम लाइब्रेरी देखने आए और जो प्रेसिडेंट था इसका यूनिवर्सिटी का, वो भी साथ था और भी कुछ ऑफिसर थे, लाइब्रेरी में थोड़ा टाइम गुजारा और हाजर इमाम चले गए। लेकिन जब हाजर इमाम चले गए मुझे बहुत दुख हुआ कि कितना बड़ा आदमी, लेकिन उसको इतना भी ख्याल ना आया कि जाते वक्त मुझे थैंक यू बोले। कहती है जैसा ही मैंने ये विचार किया डिजाइनर्स वापस आए, इमीडिएटली वापस आए, जैसा कि उसने सुन लिया, मुझे आके कहते हैं थैंक यू वेरी मच। अब और जब भी नजदीक आए तो मैं उसको देख के रो पड़ी। अभी मुझे खुद को मालूम नहीं कि मैं क्यों रो रही हूं, लेकिन उसका चेहरा, उसकी प्रेजेंस, उसका हयूला, उसकी इर्द गिर्द की चीजें मेरे दिल पे ऐसा असर किया। मैंने झुक के सलाम किया, उसने दोनों हाथ से मेरे कंधे के ऊपर रख के मुझे दुआ दी। मुझे कहती है कई वर्षों से मेरी पीठ में दुखावा है, मेरी स्पाइनल कॉर्ड में बहुत इलाज किए, लेकिन जब से उसने हाथ लगाया मेरा सब दुख दर्द मिट गया। लेकिन कहने की बात क्या थी कि मौला को देख के हमें रोना क्यों आता है, मोहब्बत, हम अपने मौला को प्यार करते हैं और इस मौला के सिवा हमें दुनिया में हमें कोई चीज प्यार नहीं है। लेकिन बचते रहो उन चूहों से, चूहे समझते ना अंदर बोलते हैं माउस के, जो घरों में छुप के रहते हैं, उन चूहों से बचते रहो कि जो मजहब में रहते हैं और मजहब के खिलाफ बातें करते हैं, इन चूहों से बचते रहो। और मैंने उनका नाम चूहा रखा है, ए मौला तू चूहों को दफा दूर कर, आमीन कहो, मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती दे, हकीकती समझ दे, आपके रोजी रिजक में बरकत दे, मौला आपको अच्छी तंदुरुस्ती वाली खुशियों से भरी हुई लंबी जिंदगी दे, घरों में जमातों में सुख शांति मोहब्बत दे, आसमान जमीन की सब बरकतें दे, बलाएं आफतें दूर करें, बीमारियां दूर करें, दुख तकलीफ दूर करें, बोला ना हज़रत इमाम आपके कर्जे दूर करें, आपको आपको दुनिया में दीन में अपनी पनाह में अपनी छतर छाया में रखें, बोला आपके ऊपर रहमतें दे, दर्शन सुख देश में पूरा करें, अपना फरमान बरदार मोमन बना, सुबह शाम इबादत की जमात की हाजिरी की तौफीक दे, बोला आपको अच्छी नेकी
समझ दे रहे हैं, हकीकत समझ दे रहे हैं, मालिकत दे रहे हैं और वो आपको सुखी और आवाज है आपकी आंख और आपको more than one